हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी के उपलक्ष्य में आज मैं आपको तिल गुड़ की बहुत अच्छी टेस्टी गजक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं मैं आप लोगों के साथ। फ्रेंड्स, बहुत स्वादिष्ट और बहुत सॉफ्ट होती है ये। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किचन तरकारी पूजा। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसके लिए मैंने ये एक कप तिल लिया है। ग्राम्स में देखा जाए तो 125 ग्राम्स ये तिल है, यानी एक कटोरी तिल मैंने लिया है। आप एक कटोरी का नाप याद रखिए। और इसको हमें ड्राई रोस्ट कर लेना है, बहुत बिना तेल घी डाले ही हमें इसको रोस्ट करना है। फ्रेंड्स, बहुत जल्दी हो जाते हैं और ये इसकी पहचान ये है कि थोड़े थोड़े से ना फूले फूले से नजर आते हैं, थोड़े से पॉपअप नजर आते हैं। बस अब हम इसको निकाल लेंगे, ये हमारे रेडी हो गए हैं। और इसी के अकॉर्डिंग, यानी कि नाप अगर एक कटोरी आप तिल ले रहे हैं तो एक कटोरी ही आप गुड़ लेंगे, यानी 125 ग्राम अगर आपका तिल है तो 125 ग्राम ही आपका गुड़ रहेगा। और उसमें मैंने 2 टेबल स्पून के करीब पानी ऐड किया है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। अब इसको गुड़ पिघलने तक हम इसको चलाते रहेंगे। अब मैं इसमें 2 चम्मच, गुड़ हमारा पिघल गया है, 2 चम्मच घी, इसमें देसी घी ऐड कर रही हूँ। ज़्यादा घी मैं इसमें अभी नहीं डालूंगी। अच्छे से मिक्स करेंगे इसको और हम इसे थोड़ा सा गाढ़ा होने देंगे कि जमने की कंसिस्टेंसी तक आ जाएगा, उसको चेक करेंगे फिर हम। अभी देखिए इस तरह से ये हो रहा है। अब हम ये देखेंगे कि अब आप ध्यान रखिएगा कि मैं कैसे चेक कर रही हूँ, तो उसको पानी में डाल करके हम देखेंगे। थोड़ा सा ये मैंने पानी में डाला है, 2 मिनट इसको रहने देंगे, इसमें ठंडा होने देंगे और फिर इसको चेक करेंगे। अगर ये टूटता है, अगर ये ब्रेक एकदम से छूते ही हमारे टूटने लगता है कड़क होके, तो इट मीन्स कि हमारा बैटर रेडी हो गया है। और अगर ये हल्का सा भी थोड़ा सा लूज सा रहता है, ढीला रहता है, तो इसका मतलब वो नहीं हुआ है। अब इसमें मैं 1/4 टीस्पून, यानी 1/4 चम्मच मैंने बेकिंग सोडा, जो खाने वाला मीठा सोडा होता है, वो हमने इसमें डाला है। इससे ये बर्फ़ी बहुत टेस्टी बन जाती है। और गैस की फ्लेम बिल्कुल ऑफ है, बिल्कुल कम है इसकी। अच्छे से हम तिल डाल करके इसमें मिक्स कर देंगे। फटाफट से करना है ये प्रोसेस। सब ये अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये मैंने इधर बोर्ड को अपने अच्छे से साफ करके ग्रीस कर लिया है, चाहे आप प्लेटफॉर्म पर या किसी प्लेट या परात में भी कर सकते हैं। इसको हम पलट देंगे और फटाफट इसको बेलेंगे। चकले पर थोड़ा सा घी लगा लीजिएगा ताकि चिपके नहीं। बस इसको फटाफट से बेलेंगे और फिर हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि ठंडा हो जाए। अभी देखिए आराम से इस तरीके से उतर करके ये ब्रेक होने लग जाएगा। बहुत सॉफ्ट बनी है बेबी, आप ऐसे भी खा सकते हैं। लेकिन कई लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा कड़क होती है, बिल्कुल मार्केट की तरह गजक चाहिए। तो उसका तरीका ये है कि अब हम इसको पहले ग्राइंड करेंगे। इसको मैंने पीस लिया है फ्रेंड्स। अब कभी कभी लोग ये, कभी कभी ऐसा हो जाता है बहुत ड्राई हो जाती है और जमती नहीं है, क्योंकि हमारा तिल के में तेल के अकॉर्डिंग होता है कि तिल आपके कैसे हैं कैसे नहीं हैं। तो इसमें मुझे कम लगा तो इसमें मैंने घी ऐड किया है। अगर आप घी नहीं डालना चाहते तो आप इस जो हमने ये मसाला तैयार रेडी हुआ है इसको आप 2 मिनट के लिए कढ़ाई में डाल करके आप उसको गर्म कर लें। उसके बाद जैसे ही घी आपका जो गुड़ है वो मेल्ट होगा तो अपने आप फिर ये जमने की कंसिस्टेंसी तक आ जाएगा। अब इसको मैंने सेट कर लिया है, फटाफट से इसको इसमें ट्रांसफर कर लेंगे और फिर इसको जमा देंगे हम अच्छे से प्रेस करके। इसको इस तरीके से हम प्रेस करेंगे, बहुत आराम से आप इसको प्लेट में भी कर सकते हैं। मैंने नीचे इसको ग्रीस कर लिया था और इसमें मैंने बटर पेपर भी लगा दिया था ताकि आराम से निकालने में आसानी होती है। अब ये इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी चॉप करके पिस्ता डाल दिए थे थोड़े से। ध्यान रखिएगा अगर आपसे नहीं जमे तो आप 2 मिनट के लिए उसको कढ़ाई पर जरूर देख रखिएगा, उसको थोड़ा सा गर्म हो जाएगा फिर वो आसानी से जम जाएगा। देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है कि आपको चाक के काटने से ही पता चल रहा होगा। हल्का सा स्लिप में अभी लगा देती हूँ, बाकी मैं 5 मिनट बाद इसको हम फिर निकाल करके कट करेंगे। हमारा
हो गए हैं 5 मिनट, अब इसके बाद इसको निकालने देखिए, बहुत सॉफ्ट है ये अपने आप भी, आप इसको हाथ से भी ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन पीसेस में कट करके ये ज़्यादा सुंदर लगती हैं, मार्केट की तरह बन जाती है। अब इसके इस तरह से पीसेस कट कर लेंगे हम अपने, ये एकदम से देखिए बिल्कुल मार्केट स्टाइल बनी है, बहुत सॉफ्ट बनी है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को अगर आपकी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। थैंक्स फॉर